वेलकम टू कैरी डिफरेंस स्कूल आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2016 सोशल साइंस सैंपल पेपर क्लास 9। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच बैटल वॉज फॉट इन 1764 में जो है कौन सी जो है बैटल जो है लड़ी गई थी? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत या फिर बैटल ऑफ मेवाड़? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज बैटल ऑफ बक्सर दैट दैट फॉट इन 1764। ये जो है आपकी 22 अक्टूबर 1764 में जो है ये बैटल जो है लड़ी गई थी। किन किन के बीच में जो है ये बैटल लड़ी गई थी? दैट वाज बिटवीन मीर कासिम, शाह आलम टू एंड शुजा उदुल्ला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम सॉट हेल्प, उन्होंने जो है हेल्प मांगी थी इन दो राजाओं से, शाह आलम टू से एंड शुजा उदुल्ला। ये जो है शाह आलम टू जो है ये मुगल किंग है। शुजा उदुल्ला ही इज ये कौन थे? ही वॉज नवाब ऑफ अवध। इन दोनों के बीच में जो है इनके इन तीन लोगों वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द हु वन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये जो बैटल जो है बक्सर की जो है जीते थे। अब बात आती है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी दैट वाज फॉट ऑन 23 जून 1957 में जो है ये जो है बैटल जो है लड़ी गई थी, सिराज उद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अगेन जो इसका रिजल्ट रहा था जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीती थी। सिराज उद्दौला जो है ये जो है आपके जो है बंगाल के जो है नवाब है। नेक्स्ट हमारा आता है बैटल ऑफ पानीपत। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि जो ये बैटल ऑफ प्लासी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? किनकी लीडरशिप में जो है ये जो है लड़ाई जो है लड़ी गई थी? अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम? यस लक्ष्य। मैम रॉबर्ट क्लाइव। वेरी गुड। यस रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में जो है ये जो है लड़ाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीती थी और लड़ी गई थी। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ पानीपत। जैसा कि हमें पता है कि थ्री बैटल्स जो हैं पानीपत की जो है लड़ी गई हैं। फर्स्ट बैटल वाज बिटवीन, पहली चीज 21 अप्रैल 1956 में जो है पहली बैटल जो है लड़ी गई थी और ये किसके बीच में थी? दैट इज बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इसमें जो है जो जीते थे दैट वाज बाबर। सेकंड बैटल जो है आपकी, ये जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ लिख लेना, ये क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग टाइम पर जो है ये सैंपल पेपर में जो है ये पूछे गए क्वेश्चन है। बैटल ऑफ पानीपत का भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो सेकंड बैटल जो है आपकी 5 नवंबर 1556 किनके बीच में? हेमू वर्सेस अकबर। अकबर ने जो है ये जो है बैटल जो है जीती थी। क्या आप बता सकते हो कि अकबर के साथ जो है किसने जो है रिप्रेजेंट करा था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में? कौन से पर्सन थे?
क्योंकि अकबर जो है बहुत ही कम एज के थे, ही वाज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो हु रिप्रेजेंटेड हिम, इनके साथ इनको जो है किसने रिप्रेजेंट करा था, या इनके साथ जो है किसने जो है साथ में जो है लड़ा था? कैन एनीवन टेल? आंसर इज बैरम खान. नेक्स्ट आता है हमारी लास्ट बैटल, दैट इज कॉल्ड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. ये जो है हमारी नेक्स्ट 1526 में जो है हमारी जो है फर्स्ट बैटल जो है लड़ी गई थी बाय मिस्टेक. थर्ड बैटल है वो जो है दैट इज ऑन 14 जनवरी 1761 में जो है ये जो है थर्ड बैटल जो है लड़ी गई थी. और ये जो बैटल लड़ी गई थी दैट वाज बिटवीन अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास. ये मराठास और अहमद शाह अब्दाली के जो है बीच में जो है ये बैटल लड़ी गई थी. और अहमद शाह अब्दाली जो है उन्होंने जो है ये जीती थी बैटल. और मराठास की साइड से जिन्होंने रिप्रेजेंट करा था वो थे सदाशिव राव भाऊ. एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ मेवाड़. ये जो है किनके बीच में जो है लड़ी गई थी? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेम द फर्स्ट टेरिटरी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो है कौन सी टेरिटरी को जो है एनेक्स करा गया था ब्रिटिशर्स द्वारा? सतारा, ग्वालियर, झांसी, मेरठ. यस हर्षित. हर्षित मैम सतारा. हाँ जी, क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? करो क्षितिज. उसकी गद्दी पर नहीं बैठ सकता है, वो एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाता था. हाँ जी, वो जो है ये लोग जो है कैप्चर कर लेते थे. बिल्कुल सही. ये जो है उस टाइम पर जो है जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहे थे 1848 से 1856 के टाइम पीरियड पे, उन्होंने जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे. इन लोगों की जो ब्रिटिशर्स थे इनकी नजरें थी कि देर आर सर्टेन ऐसे राजा महाराजा हैं जिनकी जो है खुद की संतानें नहीं हैं. तो इन्होंने ऐसी पॉलिसी निकाली कि उनके तहत जो है वो प्लेसेस जो हैं ये कैप्चर कर सके. क्योंकि उस टाइम पर जो है जो चलता था वो हेरिडेटरी सक्सेशन चलता था, यानी कि कोई भी राजा था तो आगे उसका जो है बेटा गद्दी पे बैठता था, देन एंड सो ऑन, उसके बाद उसका बेटा. तो वो चीज इन्होंने देख ली कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि राजा महाराजाओं के खुद के सन नहीं हैं, और जो अडॉप्टेड सन है तो उनको भी अलाउड नहीं था. उनको जो है सैलरी दे के जो है छोड़ दिया जाता था कि ठीक है अडॉप्टेड सन को सैलरी मिल जाएगी, लेकिन ये जो है ब्रिटिशर्स जो है उनके अंदर जो है वो एरियाज जो है कैप्चर कर लेते थे जिनके जो है खुद की जो है संतान नहीं होती थी. सो अकॉर्डिंग टू दैट द करेक्ट आंसर इज दैट इज तारा. नेक्स्ट हमारा आता है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ INC. इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है पहली वुमेन प्रेजिडेंट जो है कौन है? अमृत कौर, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, देन अनदर वन इज सरोजनी नायडू. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज एनी बेसेंट. एनी बेसेंट जो है पहली जो है फर्स्ट वुमेन जो है प्रेसिडेंट रह चुकी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की. अब बात आती है कि क्या कोई बच्चा बता सकता है कि एनी बेसेंट जो है कौन से सेशन में जो है ये जो है पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन सा सेशन जो है चल रहा था और कौन से सन में? एनी बेसेंट जो थी दैट इज इन 1917 और उस टाइम पर जो है कलकत्ता सेशन जो है चल रहा था. दूसरा पॉइंट
नेक्स्ट आता है सरोजनी नायडू, ये जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, ये कब बनी थी 1925 में, और उस टाइम पे जो है कानपुर का सेशन जो है चल रहा था। नेक्स्ट हमारा आता है कमला नेहरू, कमला नेहरू शी इज द वाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अमृत कौर, ये एक इंडियन एक्टिविस्ट है और इन्होंने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ इन्होंने जो है एसोसिएट करा था, यानी कि उसके लिए जो है इन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अमृत कौर, अमृत कौर के रिगार्डिंग यहां मैं लिख देती हूँ। शी वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947 से लेके 1957 तक, ये जो है देश की जो है पहली जो है हेल्थ मिनिस्टर जो है रह चुकी हैं। आता है हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। हाँ जी बेटा बोलो, कौन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब इंडिया को जो है फ्रीडम मिली थी 1947 में? चर्चिल, मैकमिलियन, मैकडोनल्ड, क्लेमेंट एटली। यस क्षितिज। मैम डी, क्लेमेंट एटली। यस करेक्ट, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन डी। ये जो है एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है और ये जो है एज ए पीएम जो है रह चुके हैं यूके के टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1945 से लेके जो है 1951 तक। नेक्स्ट आता है हमारा चर्चिल, ये भी जो है प्राइम मिनिस्टर है और कहाँ के, यूके के। ये इनका जो टाइम पीरियड है 1940 से लेके 1945 तक, इन्होंने जो है कंट्री को जो है लीड करा था जो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है जीती थी ड्यूरिंग दैट टाइम। नेक्स्ट आता है आपका मैकमिलियन, मैकमिलियन अगेन दिस ऑल आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। जो मैकमिलियन का जो टाइम पीरियड था इन्होंने जो है 1957 से लेके 1963 के बीच में जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। देन आता है हमारा रैमसे मैकडोनल्ड, रैमसे मैकडोनल्ड जो है ये जो है प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं इन 1924 एंड उसके बाद जो है ये जो है 1929 से लेके 31 तक। नेक्स्ट हमारा आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट एश मेंबर इन राज्यसभा। जो इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जो है कितने राज्यसभा के मेंबर्स को जो है नॉमिनेट करते हैं? 12, 2, 5, 10। यस लक्ष्य। मैम 12। क्षितिज। मैम 12 मेंबर्स। यस फ्रॉम क्लास। हाँ यस यस द शॉर्ट ट्रिक इज क्लास। 12 मेंबर्स, म्यूट कर लीजिए जिन्होंने। हाँ जी 12 मेंबर्स जो हैं नॉमिनेट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा करे जाते हैं और इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि क्लास से where C doesn't mean anything, L literature, A your arts, it also includes your sports category, then S for science, and then another S for social service। यहाँ से जो है आपके जो है प्रेसिडेंट जो है what is the maximum strength of Rajya Sabha as per Indian constitution? My question to you all is maximum strength as per Indian constitution. Yes Lakshya. 250। okay 250।
डिस्ट्रीब्यूशन लक्ष्य व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज 250 मेंबर्स मैम 238 फ्रॉम स्टेट एंड 12 फ्रॉम 230 फ्रॉम स्टेट एंड 12 बाय प्रेसिडेंट यस वेरी गुड जो 238 जो है स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं और जो 12 जो है हमारे जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करते हैं एट प्रेजेंट जो है राज्यसभा की क्या स्ट्रेंथ है करंटली कितने मेंबर्स जो है राज्यसभा में जो है बैठे हुए हैं एनीवन ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बारी बारी दैट्स व्हाई मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ क्षितिज हाँ जी बेटा 245 ओके ओके एट प्रेजेंट जो है 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में जो बैठे हुए हैं 233 अगेन स्टेट से इलेक्ट हो गए हैं 12 सेम बाय द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा जो है नॉमिनेट एंड दिस इज द लिस्ट फॉर ऑल द 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट और इनकी जो है कब से लेके कब तक है पूरी की पूरी लिस्ट आपको जो है प्रोवाइड करी गई है एंड दिस ऑल आर फ्रॉम दिस कैटेगरीज नेक्स्ट आता है डचिंगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया डचिंगम नेशनल पार्क जो है ये जो है कौन से राज्य में जो है पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर मिजोरम मणिपुर नागालैंड यस हर्षित मैम जम्मू एंड कश्मीर ओके वंश राणा जम्मू एंड कश्मीर लक्ष्य जम्मू एंड कश्मीर ओके द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज जम्मू एंड कश्मीर अब जो है जम्मू एंड कश्मीर में नॉट ओनली डचिंगम नेशनल पार्क है एक और नेशनल पार्क जो है मैंने आप लोगों को करवाया था दैट इज कॉल्ड हैमिस नेशनल पार्क ये भी हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर का है नेक्स्ट हमारा आता है मिजोरम मिजोरम का जो है दैट इज कॉल्ड पवनपुरी पवनपुरी नेशनल पार्क एंड अनदर नेशनल पार्क इज मोरलेन नेशनल पार्क मणिपुर की बात करते हैं कायबुल लैमजाओ नेशनल पार्क नेक्स्ट हमारा आता है नागालैंड नागालैंड में है इंतांकी नेशनल पार्क नेक्स्ट हमारा आता है द आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू राइट टू Equality, property, education या फिर life हाँ जी anyone बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया है और अलग अलग एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन जो है आया है आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू व्हाट रोहित यादव राइट टू ओके ओके नेक्स्ट इज हर्षित हर्षित साहू मैम ऑप्शन डी राइट टू लाइफ ओके क्षितिज मैम राइट टू लाइफ करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन डी आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ से जो है रिलेट करता है नेक्स्ट आता है एंड ऑल्सो पर्सनल लिबर्टी नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी ये जो है ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 14 जहां पर बताया गया है कि दैट वी ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर जो है संपत्ति का अधिकार था
बट लेटर ऑन जो है अमेंडमेंट के तहत जो है इसको जो है हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। तो नाउ जो प्रॉपर्टी वाला राइट है वो अब जो है इस टाइम पर जो है लीगल राइट है। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन। ये जो है हमारा आर्टिकल 21 सब सेक्शन ए के अंडर जो है एजुकेशन, जहाँ पर 6 से 14 इयर्स ऑफ एज के जो बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन का जो है राइट है। नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, पहली जो है कॉटन मिल जो है वो कहाँ पर जो है एस्टेब्लिश जो है करी गई थी, अहमदाबाद, सूरत, लुधियाना, बॉम्बे। लक्ष्य बॉम्बे। हाँ जी, मैम बॉम्बे 1854। ओके ओके, नेक्स्ट इज वंशराना। बॉम्बे मैम। क्षितिज एट बॉम्बे इन 1854। यस, द फर्स्ट कॉटन मिल वाज एस्टेब्लिश्ड दैट इज इन बॉम्बे। बॉम्बे में जो है पहली जो है कॉटन मिल जो है एस्टेब्लिश जो है करी गई थी। अब बात आती है अनदर पॉइंट्स। अहमदाबाद, अहमदाबाद इज नोन एज टेक्सटाइल हब। सूरत जो है दैट इज फेमस फॉर नोन एज डायमंड सिटी। लुधियाना जो है उसको जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंसीडर करा जाता है। इसमें काफी अलग अलग चीजें हैं, पवेलियन मॉल, रखबाग पार्क, दीज आर द सर्टेन फेमस थिंग्स, और एक जो है नानकसर गुरुद्वारा भी है यहाँ पर। हमारा आता है नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन। रॉलेट एक्ट जो है कब पास करा गया था, 1919 में जो है रॉलेट एक्ट जो है पास जो है करा गया था। रॉलेट एक्ट क्या होता है कोई बच्चा बता सकता है, व्हाट इज रॉलेट एक्ट? क्षितिज, हाँ जी क्षितिज बोलिए। मैम रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस द इंडियन नेशनलिज्म ड्यूरिंग बिफोर इंडिपेंडेंस। माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये टू यू इज कि ये रॉयलेट एक्ट था क्या, ये है क्या चीज? रॉयलेट एक्ट आपका जो था दैट वाज रिलेटेड टू क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि अगर कोई भी इंडियन हमें मिल गया हमारे अगेंस्ट बात करता हुआ कहीं पर भी, तो उसको जो है हम सीधा जो है जेल कर देंगे, जेल में डाल देंगे। दिस इज कॉल्ड रॉयलेट एक्ट, कि कोई भी पर्सन जो है हमारे अगेंस्ट जो है प्लानिंग प्लॉटिंग जो है नहीं करेगा, हमारे अगेंस्ट जो है बातें नहीं करेगा, अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो इन्होंने क्या करा। अब ऑब्वियसली बात है फ्रीडम के लिए चीजें चल रही थी उस टाइम पर, तो लोग बातें कर ही रहे थे, और इन्होंने क्या करा था इस एक्ट के तहत जो है काफी इंडियंस को जो है जेल में डाल दिया था 3 साल के लिए, और कहा था कि 3 साल तक कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा, 3 साल बाद जो है मुकदमा चलेगा। दिस वॉज द रॉयलेट एक्ट। और आप जो देख रहे थे ना, एक आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसेकर, इसी का ही रिजल्ट था कि इस एक्ट के अपोज कर रहे थे इंडियंस, और वो लोग इंडियंस जो है वहां पर जो है जलियांवाला बाग में जो है इकट्ठे हुए थे इसके विरोध में, जब जो है जनरल डायर ने जो है गोलियां चला दी थी। क्लियर हुई दोनों चीजें, रॉयलेट एक्ट और ये जलियांवाला? दिस इज Who was the founder of Asiatic Society? Again, ये जो है last sample paper में भी जब करवाया था पूछा था, William John, James Mill, William Jones या फिर William Adam. The correct answer for this is that is C. William Jones के द्वारा जो है ये जो है Asiatic Society जो है बनाई गई थी, that is in 15 January 1784 में।
लुक्स लाइक दिस. इसमें जो है एक लाइब्रेरी भी कंटेन्स थी जहाँ पर कि अराउंड 20,000 वॉल्यूम्स थे, जिसमें कि 8,000 जो है संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट थी. और काफ़ी चीज़ें जो हैं ये जो है सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है करी गई थी, एशियाटिक सोसाइटी बाय सर विलियम जोन्स. नेक्स्ट आता है हु इन्वेंटेड स्पाइनिंग जर्नी. स्पाइनिंग जर्नी जो है किसके द्वारा जो है इन्वेंट करी गई थी? जेम्स मिल, जॉन लॉके, जेम्स वॉट, जॉन कार. यस लक्ष्य, यस द करेक्ट आंसर इज दैट इज बाय जॉन काय. स्पाइनिंग दैट इज कॉल्ड हिंदी में कताई. इससे जो है थ्रेड बनाया जाता है फ्रॉम ए मास ऑफ वूल और कॉटन. क्लियर. जैनी होता है सूत काटने का चरखा, जो ये आप मशीन देख रहे हो ये चरखा, दिस इज कॉल्ड जैनी. और स्पाइनिंग दैट इज योर ऊन या फिर कपास आदि से जो है धागा जो है बनाया जाता था इन चीजों से. वुड्स डिस्पैच वॉज रिलेटेड टू ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन और लैंग्वेज. ये सैनिक स्कूल में भी ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है. इट इज रिलेटेड टू व्हाट? वुड्स डिस्पैच. That is, Wood's dispatch was related to educational reforms. Education में changes लाने के लिए जो है ये जो है Wood's dispatch जो है बनाया गया था. अब this was a written document for the purpose of promoting education in India. India में जो है education को जो है promote करने के लिए जो है ये बनाया गया था. और ये किनके द्वारा introduce करा गया था? By Charles Wood. ये आप देख रहे हो, this is Charles Wood in 1854. इट वॉज द फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. यानी कि एजुकेशन को जो है फैलाना जो है दैट वॉज द मेन मोटिव. इसको क्या बोला जाता है? इट वॉज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. वुड्स डिस्पैच. सिराजुद्दौला वॉज अ नवाब ऑफ. ये बिल्कुल फर्स्ट में जो है मैंने अभी क्लियर करा था, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद और जो है बंगाल. यस लक्ष्य, यस सिंपल ऑप्शन डी. कोई बच्चा ये बता सकता है कि जो ये सिराजुद्दौला था इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है किस चीज के लिए ऑर्डर जो है दिया था? क्या रीजन बना था ये लड़ाई का? क्या कोई बच्चा बता सकता है? यस लक्ष्य मैम, इसने कहा था कि आपको अगर यहाँ ट्रेड करनी है तो आपको टैक्स देना होगा. okay. और इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया है. क्षितिज मैम, मिसयूज ऑफ दस्तक. ओके, टैक्स को लेकर झगड़ा मैम, उसमें टैक्स को लेकर झगड़ा हुआ था मैम. उसमें वो उधर से एक चिट्ठी आई थी, उसमें टैक्स को लेकर और उसमें बात हुआ था कि जमीन का, इसीलिए झगड़ा हुआ. यहाँ पर क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा हुआ था कि इलीगल तरीके से जो है जगहें जो है कैप्चर कर रखी थी. तो सिराजुद्दौला ने जो है ऑर्डर दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जितना भी जो एडिशनल इलीगल जो एडिशनल फोर्टिफिकेशन है कलकत्ता में, वो जो है उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. यानी कि जो इलीगल एरिया जो है इन्होंने जो है कैप्चर करा था उसको जो है छोड़ दिया जाए. और उसके बाद जो है फिर अटैक भी करा गया था एंड सो ऑन. आगे काफी चीजें हुई थी, ये मैंने पूरी आपको करवा रखी है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ पक्सो. वेयर वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप. पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है कहाँ पर सेटअप करी गई थी? सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे, कैलकटा. हाँ जी लक्ष्य मैम, सूरत में 1915.
सूरत में कौन से कब? 1615 मैम सूरत में स्टेबलिश की गई थी. That's it. जो है फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप इन सूरत. सूरत में जो है ये जो है सेट अप करी गई थी. इट लुक्स लाइक जो पहली जो फैक्ट्री थी वो इस तरीके से जो है दिखती थी. दिस वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप. नेक्स्ट आता है इन कोर्ट इट इज अ डैश हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. कौन जो है स्टेट का इंटरेस्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में? डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज या फिर कोई भी नहीं. लक्ष्य मैम पब्लिक प्रोसिक्यूटर. क्या होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैम? वो अगर कोई अपना लॉयर बना रहा है तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो कोर्ट में जाके उस पर्टिकुलर स्टेट को वो रिप्रेजेंट करता है. करेक्ट. पब्लिक प्रोसिक्यूटर आंसर इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर. और पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता क्या है? एक जो है ये लॉ ऑफिसर होता है जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है करते हैं किस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. स्टेट के बिहाफ पे लोगों के इंटरेस्ट के लिए इन द पब्लिक इंटरेस्ट. नेक्स्ट हमारा आता है डिफेंस लॉयर इज बचाव पक्ष का वकील. उसे डिफेंस लॉयर जज यू नो दो गिव जजमेंट. बाकी के क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे सैंपल पेपर के नेक्स्ट पार्ट में जो है कंटिन्यू करेंगे. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.